आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। खबर प्रतापगढ़ से। प्रधान संघ अध्यक्ष जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहा है जिला प्रशासन, ये कहना है प्रधान संघ अध्यक्ष पिंटू सिंह का। बिहार विकास खंड के गोगौर व बरबसपुर के पूर्व प्रधान समेत ग्राम पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक के ऊपर उच्च अधिकारियों के आदेश पर बीडीओ बिहार ने दर्ज कराया गबन का मुकदमा। प्रधान संघ अध्यक्ष का जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, दुर्भावनापूर्ण ढंग से कराई जा रही है कार्रवाई, प्रतापगढ़ जिला प्रशासन दोषपूर्ण ढंग से कर रहा है कार्य। आइए सुनते हैं पूरे मसले में प्रधान संघ अध्यक्ष पिंटू सिंह का क्या कहना है। पूर्व प्रधान गोगौर और बरबसपुर के ऊपर बीडीओ बिहार के द्वारा गबन का FIR दर्ज कराया गया है, क्या कहना है उस मुद्दे पे आपका? देखिए, ऐसा है कि प्रधान बरबसपुर एवं प्रधान गोगौर के ऊपर जो मुकदमा परसों पंजीकृत कराया गया है खंड विकास अधिकारी बिहार द्वारा, उसमें हम आपको यह बता दें कि सबसे पहले कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने उस प्रकरण की समस्त कार्यवाहियों पर 30/5/2023 को रोक लगा दिया था। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन की मनमानी है और तरीके से लीजिए गुंडागर्दी है। ऑर्डर की कॉपी मिली थी उसको आपने किस दिवस को रिसीव कराया था? जिस दिन हमको ऑर्डर की कॉपी मिली उसी दिन 2:58 पर हमने संबंधित कर्मचारियों को हमने अधिकारियों को रिसीव करा दिया था। 2:58 पर हमने रिसीव कराया, 7:10 पर मेरे ऊपर FIR हो गई। अब यह नहीं समझ में आ रहा है, जब आपने अपनी नोटिस में मुझे 7 कार्य दिवस का समय दिया कि आप वसूली जमा करिए, तो आपने 5वें दिन क्यों FIR कर दिया? जब आपको हाईकोर्ट के आस्थगन आदेश का निर्णय आ गया कि पुरानी जांच या उसके सापेक्ष की गई सभी कार्यवाहियों को अग्रिम आदेश तक स्थगित करते हुए 1 माह के बाद नया प्रत्यावेदन दे करके पुनः कराई जाएगी, तो फिर उस जांच रिपोर्ट के आधार पर FIR करने का कौन सा औचित्य रह जाता है? यह सरासर गुंडागर्दी है, जिला प्रशासन की सरासर गुंडागर्दी है, मनमानीपन रवैया है और आम आदमी की आवाज को दबा करके आम आदमी के साथ सत्ता के हानक को अपने अधिकारों के बल को दिखा करके लोगों की जबान बंद करके प्रताड़ना की कार्यवाही की जा रही है। इस सब चीजों का जवाब माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ से मिलेगा और जो भी इसमें अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना को झेलना पड़ेगा। पिंटू सिंह, जिला अध्यक्ष प्रधान संघ प्रतापगढ़। इनमें हो सकता है पैसा जमा हो जाए, ऐसी स्थिति में जितने आनन फानन में ये सारी कार्यवाहियां संपादित की जा रही हैं, जिस टीम ने उक्त प्रकरण की जांच किया उस टीम ने ये बताया कि खड़ंजा नहीं पाया गया, जनसेवा केंद्र नहीं पाया गया। मैं इस बात से हैरान हूँ कि उस जांच का पूरा वीडियो है, सैकड़ों आदमी के साथ संबंधित सारे जांच अधिकारी जो थे लगभग 5 से 7 किलोमीटर पैदल चल करके फीते से संपूर्ण खड़ंजे की पैमाइश की गई और 5 से 7 घंटे का उसमें समय लगा खेत मेड़ होते होते ये उक्त खड़ंजों को ढूंढ ढूंढ करके उनका मापी की गई इंजीनियर के द्वारा। ऐसी स्थिति में यह पूरी कार्यवाही राजनीतिक दुर्भावना और दबावपूर्ण तरीके से दोनों प्रधानों के खिलाफ की जा रही है, चूंकि हाईकोर्ट की अवमानना हुई है और हाईकोर्ट की अवमानना के संदर्भ में माननीय न्यायालय को सूचित कराया जाएगा। माननीय न्यायालय अब इस पर किसी भी तरीके का अग्रिम जो निर्णय लेगा वो हमें मंजूर होगा, बसरते इतना मैं आज फिर दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी लोगों के दिमाग में है, व्यक्तिगत खुन्नस रख करके किसी भी तरीके एंड के एंड प्रकरण फंसाने का कृत्य कर रहे हैं बगैर शिकायतकर्ता के ग्राम पंचायत गोगौर के प्रधान के खिलाफ गबन का मुकदमा लिखाया गया है, रेडी हुआ है और मौके पर विद्वान। मैं चुनौती देता हूं किसी भी जनपद के जिला प्रशासन के अधिकारी को आकर के मौके पर देख सकता है कि वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में इसकी लड़ाई बार बार होगी और पूरी कानूनी विधि से होगी और जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको सबक मिलेगा। यह जांच कार्यवाही और यह प्रकरण उनके जिंदगी का सबक साबित होगा। ये थी प्रतापगढ़ से संवाददाता रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।